स्टार मेकर पर सिंगिंग करने के लिए कौन सा ईयरफोन बेस्ट है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, क्योंकि वो अपने सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे बनाना चाहते हैं, पर ईयरफोन तो बस एक एस्पेक्ट है। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से ईयरफोन स्टार मेकर के लिए बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरके, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल काम सैन म्यूजिकल बाबा। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो वो ही आप स्किप कर दें। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार मेकर पर सिंगिंग करने के लिए ईयरफोन एक कंफर्टेबल, यूज करने में आसान और बजट फ्रेंडली मीडियम है। स्टार मेकर पर मैक्सिमम लोग ईयरफोन पर ही सिंगिंग करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे ईयरफोन्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप स्टार मेकर पर बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ईयरफोन सिंगिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और ध्यान रखने वाली चीजें भी बताऊंगा। तो सबसे पहला ईयरफोन आता है बोट का बासेट 100 ईयरफोन। इस ईयरफोन की क्वालिटी अच्छी है, इसमें आपको अच्छा बास मिल जाता है, और ऑनलाइन इस ईयरफोन की रेटिंग है 4.3। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक अच्छा ईयरफोन 300 रुपए से 400 रुपए की रेंज में आता है, तो ये ईयरफोन भी आपको 300 रुपए से 400 रुपए की रेंज में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। इसके बाद अगला ईयरफोन है सैमसंग का EHS64 ईयरफोन। ये भी काफी अच्छा ईयरफोन है, जिससे आपको स्टार मेकर पर ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। सैमसंग के इस ईयरफोन की ऑनलाइन रेटिंग 4.2 है, जो एक अच्छी रेटिंग है। ये ईयरफोन आपको 350 रुपीज से 450 रुपीज के बीच में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। अगला ईयरफोन है वीवो का XE160 ईयरफोन। स्टार मेकर सिंगिंग के लिए ये ईयरफोन भी काफी अच्छा है। इस ईयरफोन से भी आपको काफी ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। वीवो के इस ईयरफोन की ऑनलाइन रेटिंग 4.1 है, और ये ईयरफोन भी आपको 350 रुपीज से 450 रुपीज के बीच में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ईयरफोन है MI या Xiaomi का अल्ट्रा डीप बास एंड मेटल साउंड चैम्बर। स्टार मेकर सिंगिंग के लिए ये ईयरफोन भी काफी अच्छा है। MI के इस ईयरफोन से आपको स्टार मेकर पर काफी ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। MI के इस ईयरफोन की ऑनलाइन रेटिंग 4.3 है, जो एक अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। MI का ये ईयरफोन आपको 450 रुपीज से लेके 550 रुपीज के बीच में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ईयरफोन आता है बोट बास हेड 220 ईयरफोन। फिजिकल क्वालिटी वाइज बोट का ये ईयरफोन काफी अच्छा है। इस ईयरफोन का बास और ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। बोट की बास हेड कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है। बोट के इस ईयरफोन की ऑनलाइन रेटिंग 4.2 है, और ये भी एक अच्छी रेटिंग है। बोट का ये ईयरफोन आपको 650 रुपीज से 750 रुपीज के बीच में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अब जिस ईयरफोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो किसी बड़ी कंपनी का ईयरफोन नहीं है, और ये एक ऐसा ईयरफोन है जिसके साथ अलग से माइक लगा होता है, और ये माइक है टारकेन का ग्लोइंग कराओके नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन विद इन ईयर स्टीरियो बास हेडफोन। वैसे देखने में तो ये लोकल सा लगता है, पर स्टार मेकर सिंगिंग में ये काफी ठीक ठाक क्वालिटी दे देता है। टारकेन के इस माइक्रोफोन की ऑनलाइन रेटिंग 4.0 है, और ये माइक्रोफोन आपको 500 से लेके 600 रुपीज तक के बीच में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और एक बात आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। टारकेन के ईयरफोन के अलावा बाकी के सभी ईयरफोन्स मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं, और टारकेन का ईयरफोन मेरे फ्रेंड यूज करते हैं, तो उसकी क्वालिटी का मुझे पता है। अब ईयरफोन सिंगिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और ध्यान देने वाली चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने फोन की सेम ब्रांडिंग वाला ईयरफोन यूज करें, यानी कि आपके पास अगर सैमसंग का फोन है तो कोशिश कीजिए कि सैमसंग का ही ईयरफोन यूज करें, और अगर आपके पास MI का फोन है तो कोशिश कीजिए कि आप MI का ही ईयरफोन यूज करें। सेम ब्रांड आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इस वीडियो में जो भी ईयरफोन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, हो सकता है इनमें से कोई ईयरफोन आपके फोन के साथ वर्क ना करे, क्योंकि हर ईयरफोन हर फोन को सपोर्ट नहीं करता। तो जब भी ईयरफोन लें, अपने फोन के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करके ही लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ईयरफोन आपके फोन को सपोर्ट ही ना करे। अगर आप ईयरफोन से रिकॉर्डेड सॉन्ग की क्वालिटी का एक्सटर्नल माइक की क्वालिटी से कंपैरिजन करेंगे, तो ईयरफोन की क्वालिटी आपको कम ही लगेगी। तो इस बात पे बिल्कुल भी ना जाएं कि दूसरे के सॉन्ग में इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आ रही है। हो सकता है वो ज्यादा अच्छा फोन और ज्यादा अच्छा ईयरफोन या फिर ज्यादा अच्छा एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे होंगे। और आखिरी बात, ईयरफोन से रिकॉर्ड करने पर
हाई क्वालिटी ऑडियो को एक्सपेक्ट ना करें। वीडियो में दिखाए गए सारे ईयरफोन्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ईयरफोन लेने से पहले आपके फोन के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना ना भूलें। तो ये हैं वो कुछ ईयरफोन्स जो स्टार मेकर के साथ काफी अच्छा काम करते हैं और जो मैंने पर्सनली भी यूज किए हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल कांस एंड म्यूजिकल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त आरके को अनुमति दीजिए। यूं ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।